एक्साइटेड है हनुमान साहब। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो प्यारे बच्चों आज कौन सा दिन है? साइबर जागरूकता दिवस। वेरी गुड। साइबर जागरूकता दिवस में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग। क्या बोलते हैं? साइबर ग्रूमिंग। तो साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करते हो या कोई गेम खेलते हो, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो, तो आपको क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, उसमें ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिनको आप जानते नहीं। उन्होंने क्या किया होता है कि बच्चों का फोटो लगाया होगा आपका, वो फ्रेंड बन जाएगा, वो आपको बताएगा कि भाई मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके पेरेंट्स के बारे में जानता हूँ, और वो आपको क्या करेगा, बुलाएगा, फिसलाएगा। ठीक है, समझे? वो आपको ग्रूम करेगा, आपको ट्रस्ट में लेगा, यकीन में लेगा कि मैं आपका दोस्त हूँ, और फिर क्या करेगा, वो आपको आपकी सारी जानकारी पूछेगा। ठीक है, आपके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो आपका स्कूल का एड्रेस पूछ सकता है, आपके माँ बाप का एड्रेस पूछ सकता है, आपके घर का एड्रेस पूछ सकता है, और करीबी दोस्ती हो गई तो वो आपसे क्या क्या नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, और ऐसे लोगों में आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, जो चाहते हूँ कि मैं किसी के बच्चे को खराब करूँ या किसी के बच्चे के साथ खेलूं, उसकी जिंदगी तबाह करूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। ठीक है, वो इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके फोटो ले लेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और उससे क्या करेंगे, आपकी लाइफ स्पॉइल करेंगे। तो करना क्या है आपने, इन ग्रूमर से आपने बचना कैसे, आपने कोई भी जो अननोन बंदे की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना, फर्स्ट ये याद रखना है आपने। और आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देना। ठीक है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना है, अपने पेरेंट्स का नाम नहीं बताना है, आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं देना है, अपना OTP नहीं शेयर करना है। हम अक्सर इस बात के बारे में, इसके बारे में साइबर जागरूकता में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बहुत होशियार रहना है। ठीक है, सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, ऐसी फालतू फालतू की चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे साइबर ग्रूमिंग का शिकार हो जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उनको फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, साइको सोशल, एंग्जायटी, डिप्रेशन हो जाता है। वो ये चीजें अपने पेरेंट्स को भी बता नहीं सकते या टीचर्स को नहीं बता सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या कोई बंदा आपको तंग करता है या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपने सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को बता देना है, स्कूल में बता देना है। समझ आई? और आपने अपने आप को जो है अपडेट रखना है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछता है, कुछ भी पूछता है सोशल मीडिया पे, नो आंसर, आपने कोई जवाब नहीं देना है, ऐसा बंदा जिसको आप जानते नहीं। ठीक है, और अपने जब आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया में बातचीत कर रहे हो, तो आपने जो अपना वेब कैमरा है उसको ऑन नहीं रखना है, किसी के साथ वीडियो कॉलिंग नहीं करनी है, कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते नहीं। ठीक है, आपने अपना ध्यान रखना है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग हैं जिन जो इस क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस के बारे में, साइबर ग्रूमिंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में इतना जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो महेंद्र गोस्वामी सर हैं, जो बटोत से हैं, उनको जो है दिल्ली में जो है अवार्ड मिला था रिगार्डिंग दिस। ये जो हमारा जितना भी इंटरनेट साइबर का काम होता है, इसमें उन्होंने बच्चों को आज तक जितना सिखाया है, और उन्होंने उसमें वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिसिएशन की थी वो जो हमारे दिल्ली में NCERT के लोग हैं। तो इस तरह से कि अगर हमारे साथ कुछ होता है, आप हमारे पेरेंट्स को बता सकते हो, टीचर्स को बता सकते हैं, हम अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू।